तो अभी फिलहाल मेरे दिमाग के अंदर कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग और एंडिंग कैसे करूं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूं, शॉक हूं और बहुत अजीब सा लग रहा है अंदर से, क्योंकि अभी कुछ मिनट्स पहले मैंने चैनल पर सेकंड वीडियो अपलोड की और उस सेकंड वीडियो के जस्ट जैसे ही मैंने अपलोड की, एक मिनट के अंदर 2-3 कॉमेंट्स आते हैं जो कि ये बात कहते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमन, अलिस्टर ब्लैक और WWE के और भी काफ़ी सारे बड़े स्टार्स को कंपनी ने रिलीज कर दिया है। मुझे यहाँ पर थोड़ा अजीब लगता है कि ब्रॉन स्ट्रोमन थोड़ी यार लिस्ट में शामिल होंगे। वैसे मैंने आज सुबह एक रिपोर्ट पढ़ी थी फैटफुल सिलेक्ट की तरफ से कि WWE कुछ और सुपरस्टार्स को रिलीज करेगी और उसमें कुछ मेजर नाम शामिल होंगे, पर मुझे लगा कि चलो भाई एक बार चेक कर लेते, उसमें दिक्कत ही क्या है। और रिपोर्ट को देखने के बाद मैं अपना रिएक्शन बता नहीं सकता हूँ, मैं सरप्राइज हूँ, शॉक हूँ, समझ नहीं आ रहा कि WWE के दिमाग में क्या चल रहा है। और शायद आप भी बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन, अलिस्टर ब्लैक, लाना, रूबी रायट, बर्डी मर्फी और सैंटाना गारेट, अब देखो यहाँ पर जो तीनों फीमेल सुपरस्टार की रिलीज है, मैं पूरे तरीके से समझ सकता हूँ क्यों हुई है, क्योंकि WWE उनको यूज़ कर नहीं पा रही थी। लाना और रूबी रायट का बस चल ही जा रहा था और ज़्यादा कुछ उनके साथ हो नहीं रहा था, लेकिन जो मेंस के नाम है उनमें सबसे ज़्यादा सरप्राइज और बड़ा नाम ब्रॉन स्ट्रोमन का है, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन आज से कुछ हफ्तों पहले जब रेसलमेनिया बैकलैश हो रहा था, वो WWE टाइटल पिक्चर के अंदर इन्वॉल्व थे, उन्होंने इतना अच्छा मैच दिया था, लेकिन समझ नहीं आया WWE ने उन्हें रिलीज क्यों कर दी। इससे पहले जो WWE सुपरस्टार्स का रिलीज मिला था उसमें सामुआ जो एक बहुत ही बड़ा नाम था और बाकी कुछ और नाम थे जो कि ज्यादा सरप्राइज तो नहीं थे, लेकिन मेरे हिसाब से इस लिस्ट के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमन, अलिस्टर ब्लैक, जिनका रिटर्न होता है इतनी ज्यादा हाइप बनाने के बाद, वो बिगी के ऊपर मेन इवेंट में अटैक करते हैं, उनको रिलीज करना, बर्डी मर्फी का यूज चलो हो नहीं रहा था, वो काफी अच्छे लेकिन मेरे हिसाब से स्टार थे जो कि आने वाले टाइम में मेन इवेंट सिनेरियो तक जा सकते थे। जब बीच में उनका रोमन के साथ में फ्यूड हुआ था, उनकी कैपेबिलिटी का अंदाजा हमें उसी टाइम लग गया था, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन, सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं है कि उनको रिलीज करने का रीजन क्या है। क्या WWE अब अपनी कंपनी को चलाना भी चाहती, कि उसको बंद कर देना चाहती, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। और अलिस्टर ब्लैक की इतनी रिटर्न अगर हाइप कर दी है तो रिलीज करने का यहां पर तो कोई पॉइंट या फिर मतलब नहीं बनता है। अब क्या कहूं मैं इसके बारे में, सीरियसली मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं है इसको लेकर। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हो। लेकिन भाई ये वाली वीडियो को बस मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं और बस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि भाई सीरियसली कोई आइडिया नहीं है मुझे कि मैं क्या कहूं एंडिंग के अंदर। बस यही कह सकता हूं, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।